फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वही बाइक है हीरो का स्प्लेंडर प्लस BS6, जिस बाइक का चेचिस बिल्कुल बुरी तरह से बैंड हो गया था। इस बाइक को चेचिस को तो हमने लेद से सीधा करवा लिया है। इसे पिछले वीडियो में हम आपको दिखलाए थे कि चेचिस किस तरह से बैंड था, उसके बाद सीधा होने वाला भाई आप लोगों को वीडियो दिखलाया। अभी इस बाइक को हम लेकर के आ गए अपने वर्कशॉप पे और इस बाइक को अभी हम पार्ट बाय पार्ट देख रहे हैं। बिल्कुल इस बाइक का चेचिस को सभी पार्ट को हम चेचिस से अलग कर दिया, जिस तरह से अलग किए थे उसी तरह से अब हम इस बाइक में सभी पार्ट को एक एक करके स्टार्टिंग करके फिर से इस बाइक को मॉडलिंग करके जैसे नया बाइक था उस कंडीशन में हम इस बाइक को लाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मिलेगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारा जो वर्कशॉप है वो बिहार के मधुबनी जिला में खजोली प्रखंड में और टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर है। अगर आप लोग हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं बाइक सर्विस या रिपेयरिंग के लिए तो डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा, आप आ सकते हैं। बट आने से पहले आप लोग अपॉइंटमेंट ले करके ही आइए। किस तरह से चेचिस बेंड था, अभी देखिए चेचिस को प्रॉपर रिपेयर कर दिया है। ये वाला पोजीशन जो बिल्कुल अंदर चला गया था, टूट गया था यहाँ से, ये सबको प्रॉपर रिपेयर कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल अंदर चला गया था, इसको रिपेयरिंग कर दिया है। जस्ट को रियर व्हील का काम कंप्लीट हुआ, रियर व्हील बेंड था उसको सही किया, फ्रंट व्हील बेंड था, ये जो फ्रंट व्हील है ये बेंड था इसको प्रॉपर सही कर दिया। टायर उतार करके इसको सही करना पड़ता है और लेथ वाले भाई ने टायर बाहर निकाल करके इसको यहाँ पे रिम को सही करके फिर वहीं पे टायर को प्रॉपर सेटिंग कर दिया। जस्ट उसके बाद दोनों शॉकर पाइप सही हुआ है, टी सही हुआ है, टी प्लेट वगैरह टोटल बेंड था क्योंकि बाइक को आपको दिखलाए थे बिल्कुल बुरी तरह से बेंड था। और पहले जो बाइक देखने में आपको सेंटर में नहीं लग रहा था, अब देखिए बाइक प्रॉपर सेंटर में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल प्रॉपर स्टेट में। पहले क्या था कि लेफ्ट वाला पोर्शन इधर चला गया था, फ्रंट वाला राइट में चला, यानी कि फ्रंट वाला ऐसे हो गया था टेढ़ा। अब देखिए प्रॉपर सेंटर में अब आपको दिखा दे रहा। चलिए फटाफट से हम सभी पार्ट को असेंबल करते हैं। हैंडल बोल्ट रेसर नया डाल दिया, टी को परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अभी इस बाइक में सबसे पहले हम इंजन को डाल देते हैं, पार्ट बाय पार्ट ओपन है तो इंजन डालने में काफी आसानी होगा, इंजन डालने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से इसके अंदर इंजन असेंबल कर लेते सबसे पहले। बाइक के चेचिस में हमने इंजन परफेक्ट डाल दिया। अब चलिए हम एयर फिल्टर वाले बॉक्स को यहाँ पे सेटिंग करते हैं। पहले और ये रहा हमारा बाइक का फाइनली वायरिंग असेंबल। अभी वायरिंग इसमें फिट कर लेते हैं ताकि फाइबर पूरा फिट कर देंगे तो भी वायरिंग सेटिंग हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें सेटिंग करेंगे तो उसका मजा है कुछ और रहेगा। काफी कम समय में वायरिंग इसका कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में वायरिंग फिट करने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पहले इस बाइक में रियर मोटर गार्ड को असेंबल करेंगे, ये काम जो है पहले रियर से ही कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड देखिए ये वही स्प्लेंडर बाइक है जिस बाइक का चेचिस बिल्कुल बुरी तरह से बेंड हो गया था और बाइक का फाइनली हमने काम कंप्लीट कर दिया। टूटा जी बोला छोड़ देने के लिए, उसके बाद बाइक में यहाँ पे बम्पर सेटिंग करना पड़ेगा। जस्ट उसके बाद कॉम्बो ब्रेक जो है रियर ब्रेक दबाने का फ्रंट वाला ब्रेक वर्क करता, कॉम्बो ब्रेक केवल इसमें डालना पड़ेगा, जो कि कलेंट बोला है वो भी छोड़ देंगे क्योंकि भाई इधर काफी ज्यादा बजट से लगा, इसलिए बोला कि दो चार रोज में हम इस बाइक में टोटल काम कंप्लीट कर देंगे। बट पहले क्या था कि बाइक का चेचिस जो है इधर से देखने से काफी ज्यादा बेंड लगता है, अब देखिए चेचिस जो है प्रॉपर स्मूथ है और इसका देखिए व्हील जो है ना देखिए परफेक्ट सेंटर में व्हील है, कहीं भी व्हील भागा हुआ नहीं लग रहा, पीछे देख लीजिए। पहले क्या था कि जैसे बाइक को मैन स्टैंड पर खड़ी करते थे तो रियर वाला जो व्हील है वो लेफ्ट साइड भागा था और फ्रंट वाला व्हील राइट साइड भागा, लेकिन अब देखिए प्रॉपर सेंटर में दिख रहा, आप देखिए प्रॉपर सेंटर में, इधर उधर कहीं भी बेंड नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, इंजन वगैरह को हमने बाइक में तो परफेक्ट सेटिंग कर लिया, पहले क्या था कि इंजन जो है यहाँ पे चेचिस से चिपक रहा था, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर चेचिस से इंजन हट गया है।
पहले क्या था कि यहाँ से चैची से जो इंजन काफ़ी ज़्यादा चिपक रहा था, प्रॉपर बीचों बीच इंजन आ गया। अब यहाँ चैची से बिल्कुल भी इंजन चिपकने, इसके अंदर प्रॉपर गैप आ गया। जब चैचिस प्रॉपर अच्छा तरह से सीधा हो गया तो यहाँ पे गैप आएगा ही आएगा। अगर चैचिस गलत तरीका सीधा रहा तो यहाँ पे गैप नहीं आता। जब चैचिस बैंड रहा था तो यहाँ पे गैप नहीं था। देखिए चैचिस प्रॉपर अच्छा तरह से सही हो गया। अब बाइक में ऐसा कुछ भी इशू नहीं है चैचिस के लेकर, और नया जैसा बाइक भाई प्रॉपर चल भी रहा है। यहाँ पे देखिए चैचिस प्रॉपर रिपेयरिंग हुआ, इंजन वगैरह फिट करने मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये गलत तरीका से चैचिस रिपेयर रहेगा उसके बाद ही आपको बाइक सेटिंग करने में प्रॉब्लम आएगा। देख लीजिए बाइक का काम हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया। बाइक भी ड्राइव करके देखे हमने, बाइक प्रॉपर स्मूथनेस वर्क कर रहा है। बाइक चलाने में कोई भी ऐसा फील नहीं हो रहा, जैसे कि बहुत ऐसे बाइक जो हैंडल कांपने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, और आप लोगों को काफी मन में डाउट रहा कि भैया बाइक का चैचिस बेंड हो गया, शॉकर बेंड हो गया है, या फिर व्हील बेंड है तो उसको रिपेयर कराना चाहिए। नहीं तो आप इसको रिपेयर प्रॉपर करा सकते हैं। इसके लेकर कोई भी इशू नहीं। अगर व्हील बेंड है, चैचिस बेंड है, शॉकर बेंड हो गया है, उन सब आप रिपेयरिंग करा सकते हैं, नया जैसा प्रॉपर हो जाएगा। बट डिफरेंट करता है कि रिपेयरिंग करने वाला बंदा कैसा है, इसको सीधा करने वाला बंदा कैसा है, उसके पास प्रॉपर टूल्स वगैरह है या नहीं। जैसे कि इस बाइक का आप चेचिस का कंडीशन देखे थे इससे पिछले वीडियो, चेचिस बिल्कुल बुरी तरह से बैंड हो गया, चेचिस का ऐसी की तैसी हुआ, चेचिस का बैन बच गया था, चेचिस जैसे नहीं लग रहा था कि रिपेयर होगा। लेकिन लेथ वाले भाई से बात करने के बाद पता चला कि इस बाइक का चेचिस जो प्रॉपर बन जाएगा। और चेचिस बनाने के बाद इस बाइक में हमने सभी पार्ट को ऑल इन वन नया जैसा सेटिंग किया। अब परफेक्ट बाइक सेटिंग भी हो गया और बाइक ड्राइव करने में भी काफ़ी स्मूथ लग रहा है। बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि होता है ना कांप रहा है, बबलिंग कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ये सब कुछ भी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो अब आप लोग को भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है, चैचिस बेंड हो जाए, बाइक फ्रोक व्हील रिम वगैरह कोई भी पार्ट बेंड हो जाए, तो आप लेट से प्रॉपर उसको रिपेयरिंग करा सकते हैं। बट सामने वाला बंदा कैसा रिपेयरिंग करने वाला, उस पर मैन डिपेंड करता है। और इसी तरह से आगे और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बाइक के रिलेटिव आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।